सैया काले धन है गोरी, मने ना भारे वो कारे, बिन्नू को मन और लागे कऊ, अब कैसे होबे निपटारे। ये लाइन है बुंदेलखंड के मशहूर साहित्यकार पन्ना लाल असर ने लिखी है, जिसको चरितार्थ करता है मामला झांसी के मऊरानी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें लहचूरा बांध निवासी द्रकपाल नाम के युवक की शादी आज से करीब 6 साल पहले ग्राम रोरा में रहने वाले ज्योति के साथ हुई। ज्योति काफ़ी खूबसूरत और आकर्षण मॉडल सोच वाली युवती थी, जबकि द्रकपाल सीधा साधा और सांवले रंग का एक साधारण सा युवक। फर्क इतना था कि द्रकपाल ज्योति के परिवार से ज़्यादा संपन्न परिवार था। शायद यही वजह रही होगी कि ज्योति के माँ बाप ने उसका विवाह इसलिए द्रकपाल से करवा दिया ताकि उनकी बेटी को कभी आर्थिक तंगी से ना जूझना पड़े। लेकिन बिना मन के मिले रिश्ते जोड़ना दोनों परिवारों की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने अब पूरे परिवार को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल बीते 3 सितंबर को थाना लहचूरा में पति द्रकपाल द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि रात में जब सभी सो रहे थे तब करीब 2 बजे के आसपास ज्योति अपना सामान और जेवर उठाकर घर से भाग निकले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है और ये मेरे भाई हैं, इनका नाम द्रकपाल सिंह, इनकी पत्नी इनको छोड़ के आधी रात को भाग गई है। कब भाग गई थी? ये 3 तारीख को रात को करीबन 1 और 2 के बीच में। अच्छा, शादी को कितने साल? शादी को 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया। अच्छा, ये किस बात किसके साथ भागी है? ये अनुमानित लगाया जा रहा है ये अपने मामा के लड़के के साथ भागी है। क्या उनसे प्रेम प्रसंग चलता था? ऐसा कॉल डिटेल आने के बाद पता चल रहा है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इनके मामा के लड़के के साथ, और हमारे पास उसकी वीडियो क्लिप भी है जो हम आपको दिखा सकते हैं, अच्छे संबंध थे। अच्छा, किस बात को लेकर क्या इनके बीच में कभी विवाद होता था? नहीं, इनके बीच में अधिकांश विवाद चलता रहता था कि जे वो सुंदर है, अति सुंदर, और जे खूबसूरत नहीं है। तो इस हाँ, और ये बहुत सीधे हैं, इनको बोलना भी अच्छी तरीके से नहीं आता है, अगर इनसे सही तरीके से बात कराई जाए बहुत डरते भी हैं। अच्छा। तो उसका लाभ उठाते हुए वो बात भी करती थी और कई बार इनका उनके साथ झगड़ा भी होता था। कुछ दिन पहले 5-6 महीने पहले मायके गई थी, मायके से लौट के आई तो इसका व्यवहार अनुचित रूप से पूरे घर के साथ व्यवहार अपजनक पूर्वक था, मतलब व्यवहार भी इसका बहुत गंदा हो गया था। अच्छा। इसके बाद इनके परिवार वालों को सूचित भी किया गया इसके कि तुम्हारी लड़की ऐसा ऐसा कर रही है, तो उन लोगों ने कहा कि भाई वो लड़की हमारी ऐसी नहीं है। इसके बाद जो लड़की भाग गई तो उसकी मैंने रिपोर्ट भी दर्ज की लहचूरा थाने में। तो थाने में रिपोर्ट करने के बाद अज्ञात रूप से रिपोर्ट कही गई कि लड़की लापता हो गई, तो उसकी छानबीन से ये पता चला कि ये लोग वो लड़की गवाई थी, जब वो मिली बरामद हुई पुलिस के पास तो वो बोली हम लोग घूमने गए थे। अच्छा। तो रात को 2 बजे घूमने गई थी, आके पुलिस के पास, पुलिस को जब बरामद हुई तो उन लोगों ने बताया कि ये घूमने गई थी और बताया मेरे चाचा थे जो राजावत हैं, तो उनके साथ, और वो जो मामा का लड़का था वो भी था। तो कहाँ रहे ये लोग? ये बोल रही थी ये छतरपुर के आसपास किसी होटल में रुकी थी। अच्छा, लोग ये लोग 4 दिन रुके हैं। अच्छा। 4 दिन ये लोग रुके हैं, इसके बाद यहाँ थाने आए, तो इनके थाने में आने के उपरांत जब ये बरामद हुई तो वहाँ पे इन लोगों ने सीधा इंजाम लगा दिया कि ये लोग मारपीट करते थे इसलिए भाग गए। तो मारपीट करते थे अगर हम लोग तो आपके पास एक नहीं, एक सिम मेरे जान में थी, एक इनके पास गुप्त सिम थी। अच्छा। तो गुप्त सिम से इन लोगों ने बात क्या होती थी क्या नहीं होती थी वो तो मुझे मालूम नहीं। अब नहीं नहीं, और इसके उपरांत इनने थाने में ये भी नहीं बताया कि रात को क्यों भागे, दिन में भागते, अगर दिन में भागते तो अपने माँ बाप के पास जाते, तुम किसी और के साथ भागी, 3 दिन गायब रहे, इसके बाद तुम 3 दिन के बाद आती हो तो तुम सीधा बोलती हो भाई मुझे रहना नहीं है इन लोगों के साथ, और ये लोग मारपीट करते थे, अगर हम लोग मारपीट करते थे तुम्हारे फोन था 100 नंबर घुमाते डायरेक्ट पुलिस चौकी चली जाती। तो अब क्या मांग रहे हैं? ये मांग के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं सीधा। क्या करेंगे, साथ में नहीं रहे? नहीं, साथ में भी नहीं रहना, 10 लाख रुपए तुम लोग मुझे दो। इनके किससे प्रेम संबंध थे? इनके प्रेम संबंध, इनके जो मामा का लड़का है उससे प्रेम संबंध हो सकते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया और ज्योति की तलाश की तो कुछ सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से ससुराल से भागी ज्योति का पता चल गया। पुलिस ने सुराग रस्सी की तो पाया कि ज्योति एक मोटरसाइकिल से घर से भागी, इसके बाद रास्ते में उसके एक और बाइक जाती है, ज्योति के साथ 2 अन्य लोग भी हैं। मऊरानी क्षेत्र से निकलकर ये लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पहुँचते हैं, यहाँ होटल में रुकते हैं।
पुलिस ने आखिर थोड़े समय में ही ज्योति का पता लगा लिया। लेकिन जब ज्योति को थाने लाया गया तो उसने बताया कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और अपनी मर्जी से घूमने गई थी। इतना ही नहीं, ज्योति ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने पति और ससुरालियों पर दहेज के लिए उत्पीड़न की भी शिकायत कर डाली। अब अगर ज्योति के पति रखपाल की माने तो जब से उसकी शादी हुई है कभी ज्योति ने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। यहाँ तक कि परिजनों के प्रति भी ज्योति का रवैया ठीक नहीं था और अब ज्योति उसके साथ नहीं रहना चाहती। रखपाल और उसके परिजनों का आरोप है कि ज्योति रखपाल से छुटकारा चाहती है, साथ ही वो 10 लाख रुपए की मांग भी कर रही है। उसका कहना है कि अगर रुपए नहीं दिए तो पूरे परिवार को केस में फंसा कर जेल भेज दूंगी।